हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल कॉमर्स नेशन रन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। आज हम लोग अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक का नाम है मार्शल एंड रॉबिन्स व्यू ऑन द इकोनॉमिक्स डेफिनेशन, यानी जो एल्फ्रेड मार्शल थे एंड जो रॉबिन्स थे उनके क्या विचार थे हमारे इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, यानी भैया मार्शल का क्या मानना था कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है एंड रॉबिन्स का क्या मानना था कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, और इनके बीच का सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी हम लोग को पढ़ना है। एग्जाम में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से देखे गए, तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना होगा। ठीक है, अब दोस्तों जो मार्शल है इनका पूरा नाम है एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, इनके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है, अभी यहां पे इतने ही समझते हैं पहले। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों पहले तीन चीज यहां पे समझियो कि अगर पूछेगा एग्जाम में कि वेल्थ डेफिनेशन किसने दी हुई है, ठीक है, अगर पूछेगा आपसे एग्जाम में कि इकोनॉमिक्स की वेल्थ डेफिनेशन किसने दी हुई है, तो आप बताओगे एडम स्मिथ ने दी हुई है। अगर पूछेगा आपसे कि वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी हुई है, तो आप बताओगे एल्फ्रेड मार्शल ने दी हुई है। पूछेगा स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी हुई है, तो आप बताओगे कि रॉबिन्स ने दी हुई है। तो भैया ध्यान से ये तीनों चीज को लिख लो, आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका वेल्थ डेफिनेशन दी हुई है एडम स्मिथ ने, आपका वेलफेयर डेफिनेशन दी है मार्शल ने एल्फ्रेड मार्शल, एंड स्कार्सिटी डेफिनेशन दी है रॉबिन्स ने। ठीक है, चलो अब दोस्तों द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्शल एंड रॉबिन्स डेफिनेशन इज ऑन देयर बेसिस, यानी कि इन्होंने बेसिस के आधार पर यानी किसी आधार पर अपनी डेफिनेशन को बांटा है। ठीक है, अब देखो पुराने समय में लोग अपने हिसाब से किसी भी चीज का डेफिनेशन देते थे जो उनको लगता था कि ये होती है। ठीक है, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो मार्शल की डेफिनेशन थी वो ह्यूमन मटेरियल वेलफेयर, यानी कि भैया इंसान की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनके वेलफेयर के बारे में डिस्कस करता था। तो ये वर्ड आपके पास इंपॉर्टेंट है कि जो मार्शल की डेफिनेशन थी वो किस पे आधारित है, ह्यूमन मटेरियल वेलफेयर। ठीक है, एंड दोस्तों जो रॉबिन्स की डेफिनेशन थी वो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट थी। तो ये दो वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, यानी कि जब भी स्कार्सिटी किसी चीज की कमी की बात आएगी तो रॉबिन्स को अटैच कर देना, एंड ह्यूमन के वेलफेयर की बात आएगी, इंसान के भलाई की बात आएगी, तो आप वहां पे मार्शल को ऐड कर देना। यहां पे भी आप देखो कोएड कर सकते हो, स्कार्सिटी रॉबिन्स वेलफेयर मार्शल, यहां पे वेल्थ को बस एडम स्मिथ से जोड़ देना। अब देखो सिमिलैरिटी बिटवीन मार्शल एंड रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, हमको बेसिकली पढ़ना है डिफरेंस, बट हम लोग पहले पढ़ेंगे सिमिलैरिटी, दोनों में क्या सिमिलैरिटी थी। तो भैया जो मार्शल एंड रॉबिन्स बोथ हैव गिवन प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन बींग, दोनों लोगों ने इंपॉर्टेंस किसको दिया हुआ है, ह्यूमन बींग्स को दिया हुआ है, कि इंसानों को फोकस किया है, इंसानों के बारे में कोई चीज बताई है। ठीक है, देयर फोकस इन द ह्यूमन एक्टिविटी रादर देन वेल्थ एक्युमुलेशन, दोनों का जो मेन फोकस था कि इंसान जो भी गतिविधियां करता है, जो भी एक्टिविटीज करता है, उसके ऊपर फोकस किया गया था, रादर देन वेल्थ एक्युमुलेशन, कौन कितना पैसे वाला है, कौन कितना संपत्ति वाला है, इससे कोई भी मतलब नहीं था, बस इंसान एक्टिविटीज क्या करता है उससे मतलब है। बोथ डिस्कस अबाउट मींस इन देयर डेफिनेशन, दोनों ने मींस के ऊपर डिस्कस किया है। दोस्तों मींस का मतलब होता है रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या होता है रिसोर्स, दोनों लोगों ने रिसोर्सेस के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, मार्शल यूज द टाइम, मार्शल ने वेल्थ टाइम का इस्तेमाल किया था। ठीक है, एंड जो रॉबिन्स है इन्होंने किसका इस्तेमाल किया था, स्केयर टाइम का इस्तेमाल किया था। यहां पे आप वेल्थ के साथ में वेलफेयर भी लिखना। ठीक है, ओके, ये हो गया। एंड दोस्तों बोथ मार्शल एंड रॉबिन्स डेफिनेशन सिग्निफाई द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का क्या है, ये आपके ये सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैया जो मार्शल थे इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, वेल्थ भी इस्तेमाल किया है और वेलफेयर वर्ड भी इस्तेमाल किया है, एंड जो रॉबिन्स है इन्होंने स्केयर या वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, यानी कमी। ओके, बोथ मार्शल एंड रॉबिन्स डेफिनेशन सिग्निफाई द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब सेम है, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, दोनों लोग ह्यूमन के सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। मार्शल स्टेट्स अबाउट वेल्थ यूटिलाइजेशन फॉर प्रमोटिंग मैक्सिमम वेलफेयर, यानी हम अपने संपत्ति का कैसे इस्तेमाल करें कि हमको मैक्सिमम हमारी भलाई हो सके, यानी कि भैया एक इंसान जो भी उसके पास में चीजें हैं उसका कैसे इस्तेमाल करे कि उसको मैक्सिमम उसका फायदा मिले। एंड जो रॉबिन्स थे भैया इन्होंने कहा कि यूटिलाइजिंग स्केयर रिसोर्सेज, जो भी इनके पास में संपत्ति या चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा नहीं लिमिटेड फॉर्म में है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए जिससे उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात दोनों लोग ही कह रहे हैं। ठीक है, बट घुमा के गया। ठीक है, बोथ द डेफिनेशन स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, दोनों ही डेफिनेशन ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर डिस्कस करती है। मार्शल डिस्कस द इकोनॉमिक स्टडी ह्यूमन सोशल बिहेवियर, मार्शल डिस्कस करते हैं ह्यूमन सोशल बिहेवियर की, ह्यूमन के एंड सामाजिक क्या बिहेवियर होते हैं, एंड जो रॉबिन्स है वो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की, ह्यूमन के बिहेवियर कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन चार बातें पता चाहिए जो कि भाई इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। पहला, मार्शल डेफिनेशन इज अ सिंपल एंड फेयर, ये बहुत आसान है,
सिंपल भी है, फेयर भी है, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि किसकी डेफिनेशन सिंपल है, तो ध्यान रखना जो रॉबिन्स हैं इनकी डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि ये भैया थोड़ा दिमाग लगा के बताएं चीज़ों को और वो सिंपल से बता दिए। एंड द डेफिनेशन इज कैसी फैक्ट्री एज मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, यानी इन्होंने कहा है इनकी जो डेफिनेशन है वो चार भागों में बटी हुई है, क्या बोलते हैं, मटेरियल, नॉन मटेरियल, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, चार भागों में बांट दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, दिस डेफिनेशन इज एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब होता है जब किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग खर्चा किया जाए, ठीक है, ओके, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करता है। तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो रॉबिन्स हैं इनकी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करती है, ठीक है। हिज डेफिनेशन इज नोन एज वेरी फेयर डेफिनेशन, इनकी जो डेफिनेशन उसका नाम क्या है, वेरी फेयर डेफिनेशन। देखो आ गया क्वेश्चन, ये पूछ सकता है। एंड इनकी डेफिनेशन जो है वो स्कार्सिटी डेफिनेशन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डेफिनेशन इज द मटेरियल वेरीफाई है कि इंसान की भलाई कैसे की जाए, वेरीफाई की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया, दिस डेफिनेशन इज न्यूट्रल अबाउट द ऑब्जेक्टिव, यानी कि यहां पे केवल ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस किया जाता है कि एक इंसान अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करे इसके या रिसोर्सेस में से, जो भी हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेस है उससे कैसे अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। फिर दोस्तों द डेफिनेशन ऑफ कंसिडर इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस, यहाँ पे इकोनॉमिक्स को क्या कहा गया है, सोशल साइंस कहा गया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। द डेफिनेशन कंसिडर इकोनॉमिक्स एज अ ह्यूमन साइंस, तो भैया दो क्वेश्चन यहाँ से और बन गए कि यहाँ पे सोशल साइंस कहा गया, यहाँ पे ह्यूमन साइंस कहा गया, ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एंड सोशल बिहेवियर पर डिस्कस किया गया था, यहाँ पे केवल ह्यूमन पर डिस्कस किया गया था। माइसर डेफिनेशन इज अ नॉर्मेटिव साइंस, भैया नॉर्मेटिव साइंस होता है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है पॉजिटिव साइंस है, क्या है, पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, इसका एग्जाम में पूछा गया है। अब बेटा नॉर्मेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, आप जाके स्टार्टिंग में देख सकते हो, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू ऑर्डिनरी मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इतना ज्यादा अच्छा डिफरेंशिएशन यहाँ बताया गया है कि एक एक पॉइंट के अंदर जो भी पॉइंट बताए गए हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है ऑर्डिनरी मैन की बात करता है, एक आम इंसान की, एंड यहाँ पे इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू बोथ, यहाँ पे चाहे ऑर्डिनरी इंसान हो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो, दोनों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तीन क्वेश्चन यहां से आ गए, बाकी यहां देख लो। एंड घुमा पे आगे एक ही बात की गई है, देखो दोनों के दोनों ही डेफिनेशन में ह्यूमन के बारे में डिस्कस किया गया है, बट एक में ह्यूमन वेलफेयर के बारे में डिस्कस किया गया, एक में स्कार्सिटी के बारे में डिस्कस किया गया। तो ये था आज का टॉपिक, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पाएंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।